हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर हमने चालू कर दिया था, धातु और अधातु वाला, और हमने लगभग धातुओं के भौतिक गुण पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और ये पांच या छह गुण हमने पढ़ लिया था। जैसे एक बार वापस रिवाइज करा दूँ, धातु का कलर कैसा होता है, धातु की अवस्था कौन सी होती है, धातु कठोर है कि सॉफ्ट है। उसके अलावा हमने पढ़ लिया था आघात वर्धनीयता, तन्यता, घनत्व, छः पॉइंट क्लियर कर लिए थे। तो आज की जो क्लास रहेगी ना, वो भी इसी चीज़ की है, धातुओं के भौतिक गुण, और कौन से भौतिक गुण जो बच गए थे, कौन से भौतिक गुण जो बच गए थे। जैसे नंबर सात पर मैं बात करूं, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। देखो, गलनांक क्वथनांक में क्या पढ़ना है, हमें पता लगाना कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, धातु के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं। तो ये तुम बाद में पता लगाएंगे ना, पहले हमें गलनांक और क्वथनांक का मतलब समझना है, उसके बाद में पता लगाएंगे कि धातुओं के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं गलनांक। देखो, गलनांक का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, गलनांक का मतलब है गलना, गलनांक का मतलब गलना। अब आप सोचो कि जो मेटल होती है, धातु होती है, वो तो ठोस होती है। गलनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर किसी चीज को गलाया जाता है। और गलाओगे किसको, देखो आप खुद सोच सकते हो, ठोस चीज को गला सकते हैं, पानी को गला सकते हैं क्या? जो चीज द्रव अवस्था में है वो तो पहले से ही गली हुई है, और जो गैस है उसको क्या गलाना, तो आप किस चीज को गला सकते हो? आप बोलोगे सर ठोस को, किसको गला सकते हो, ठोस को गलाया जा सकता है। और मेटल कैसी होती है, मेटल ठोस ही होती है, तो आप कह सकते हो किसी ठोस पदार्थ को गलाने के लिए, या किसी ठोस, और कोई पदार्थ गलेगा तो कौन सी अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में। किसी पदार्थ को गर्म करके या तापमान देकर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाना क्या होता है, गलनांक होता है। तो गलनांक की डेफिनेशन क्या हुई, वह ताप, गलनांक एक प्रकार का ताप है, वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर किसी ठोस पदार्थ को, वह ताप जिस पर किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदला जाता है, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी ठोस सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि ठोस पदार्थ को गर्म करके द्रव अवस्था में बदला जाता है, वह क्या कहलाता है, गलनांक। अब सोचो, कोई चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ठोस होती है, जैसे लोहा कितना सॉलिड है, सोना, चांदी, सब सॉलिड है, इनको आप गलाओगे तो आपको कितना तापमान देना पड़ेगा। एक तो मोम को आप गर्म करना शुरू करो, थोड़े से तापमान पर पिघल जाएगा। आइसक्रीम को गर्म करना शुरू करो, थोड़े से तापमान पर पिघल जाएगी। प्लास्टिक थोड़े से तापमान पर फूस हो जाएगी। लेकिन मेटल तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मेटल तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ठोस है ना, उसके कण पास पास होते हैं, चिपके रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा तापमान देकर उन कणों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप धातु जैसे ठोस पदार्थ को गलाना चाहते हो तो तापमान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब गलनांक क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। गलनांक ताप ही तो है, कौन सा ताप, गलाने वाला ताप, तो ठोस को गलाने के लिए ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। इसका मतलब धातुओं का गलनांक क्या होता है, बोलो, ज़्यादा होता है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबालना। अब आप किस चीज को उबालोगे, ठोस को तो उबाल नहीं सकते, ठोस को सिर्फ गला सकते हो आप, उबालोगे किसको, उबाल सकते हैं द्रव को, किसको उबाल सकते हैं, द्रव को उबाला जा सकता है। तो द्रव को उबालोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज होगा, सीधी सी बात है। तो वह तापमान जिस पर किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके गैस में बदला जाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर किसी
द्रव पदार्थ को गर्म करके, वह ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके गैस में बदला जाता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके गैस में बदला जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। और गलाया जाता है? गलनांक। अब आप देख लो, ये गलनांक और ये क्वथनांक दोनों टेम्परेचर है। एक तापमान पर तो क्या किया जा रहा है? ठोस को द्रव में बदला जा रहा है। एक टेम्परेचर पर क्या किया जा रहा है? द्रव को गैस में बदला जा रहा है। और अगर आप ये दोनों चीज धातु के लिए करो, पहले आप धातु को गलाओगे फिर उसको आप उबालोगे, तो बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। मतलब धातुओं को गलाने के लिए भी बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, धातुओं को उबालने के लिए भी बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि धातुओं के गलनांक एंड क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं। समझ में आ गया होगा पॉइंट? ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 7। अब 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 8 क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो पॉइंट नंबर 8, ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता। ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता, देखो ऊष्मा आप जानते हो जो गर्म चीज होती है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और विद्युत आप जानते हो, धातु ऊष्मा के लिए भी सुचालक है और विद्युत के लिए भी सुचालक है। मतलब धातु में से ऊष्मा को भी निकाला जा सकता है, धातु में से विद्युत को भी निकाला जा सकता है। जैसे प्लास्टिक है, ये ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती है, ना तो इसमें से ऊष्मा जा सकती है ना इसमें से करंट जा सकता है, लेकिन धातु में से जा सकता है। जैसे मैं 2-4 मेटल के एग्जाम्पल लूँ जो अच्छी मेटल्स हैं ऊष्मा के लिए और विद्युत के लिए, और सबसे अच्छी मेटल है कॉपर। कॉपर 29 नंबर पर आती है। सबसे अच्छी धातु ऊष्मा के लिए भी और विद्युत के लिए भी सुचालक होने कॉपर, मतलब कॉपर में से सबसे अच्छी ऊष्मा निकल सकती है और कॉपर में से सबसे अच्छा करंट फ्लो हो सकता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि चाय बनाने वाला जो बर्तन होता है या कोई भी मेटल का बर्तन होता है, उसको आपने गैस के चूल्हे पर रख दिया, आप बिना संडासी या बिना किसी कपड़े के उसको उठा नहीं सकते क्योंकि वो गर्म हो जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर आग जल रही है, ऐसे मान लो ये क्या है, ये फायर है, ये आग है, इसके अंदर आपने एक सरिया लगा रखा है, ठीक है, ये सरिये का पहला मुंह है और इस सरिये के मुंह को मान लो हमने पकड़ रखा है, अपने हाथ से क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आग जल रही है, ये एक धातु का सरिया है, लोहे का सरिया है, कॉपर की रोड मान लो, किसी भी मान लो चांदी की रोड मान लो, कुछ भी, आपने इसको गर्म कर रखा है। तो देखो जैसे ये वाला मुंह गर्म होगा ना, तो धीरे 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 ये ऊष्मा कहाँ तक पहुंच जाएगी? हमारे हाथ तक, लोहे के सरिये को, चाहे हम कितनी दूर से पकड़ के रखें लेकिन हमारा हाथ जलने लग जाएगा। और उसका कारण यह है कि इसमें से ऊष्मा जा रही है, मतलब ये धातु का बना है और धातु ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। सुचालक का मतलब जिसमें से ऊष्मा जा सकती है। क्यों? क्योंकि धातु के कण पास पास होते हैं, ऐसे धातु ठोस है ना, और ठोस के कण क्या होते हैं? पास पास।
तो सबसे पहले ये वाला कण ऊष्मा लेगा, फिर ये इसको ऊष्मा देगा, ये इसको ऊष्मा देगा, धीरे धीरे करते करते ऊष्मा इस कण के पास पहुंच जाएगी और इस कण को तो हमने पकड़ रखा है तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, गर्म। इसीलिए आपने देखा होगा कि किचन के अंदर जो भी मेटल के आइटम्स होते हैं, जो मेटल के बर्तन होते हैं, उनके ऊपर एक ब्लैक कलर का हत्था चढ़ा होता है हैंडल। चाय बनाने वाले बर्तन पर काले रंग का हत्था, क्यों? क्योंकि वो तो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक धातु होती है, उसमें ऊष्मा का सुचालन नहीं होता। अगर उस हत्थे को हटा दे तो क्या हम पकड़ सकते हैं क्या उस बर्तन को? नहीं पकड़ सकते ना, इसीलिए उसके ऊपर काले रंग का क्या चढ़ाया जाता है, हत्था। फिर आप कहोगे सर हत्थे में गर्म क्यों नहीं लगता, हत्था धातु थोड़ी है, हत्था तो अधातु है, और ऊष्मा चलने का गुण किस में पाया जाता है, सिर्फ धातु के अंदर पाया जाता है। सोचो ये तो धातु की छड़ है, अगर आप इसकी जगह लकड़ी लगाओ, मान लो ये लकड़ी है, क्या ये, तो क्या लकड़ी में से भी ऊष्मा जा सकती है क्या? नहीं जा सकती, लकड़ी अधातु है, लकड़ी क्या है, अधातु है। आप लकड़ी को गर्म करोगे वो यहीं से जलने लग जाएगी, आप पकड़ के रख सकते हो, लकड़ी में ऊष्मा नहीं जाएगी, यहां तक ऊष्मा नहीं पहुंचेगी। ऊष्मा सिर्फ किस में पहुंच सकती है, सिर्फ और सिर्फ धातुओं में, किस में, धातु। और धातु बहुत सारी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोना चांदी, बहुत सारी मेटल्स है, ऐसी बहुत सारी मेटल्स होती है। और ध्यान रखना ऊष्मा के लिए जो सबसे अच्छी धातु है, सबसे बेटर मेटल है वो कॉपर है। वो कौन सी है, कॉपर है। आपने देखा होगा कई प्रकार के आजकल ऐसे बर्तन आने लग गए, उसके नीचे वाली तली पर अलग ही परत चढ़ी होती है, वो कॉपर की परत होती है। जो रेड कलर की परत चढ़ी होती है ना बर्तन के नीचे कॉपर, क्यों? क्योंकि कॉपर क्या करता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, सारी ऊष्मा बर्तन में आ जाएगी, आ गई, और उस बर्तन में जो भी खाद्य पदार्थ है वो जल्दी से पक जाएगा। इसीलिए नीचे किसकी परत चढ़ा दी जाती है, कॉपर की परत चढ़ा दी जाती है, क्योंकि कॉपर में से ऊष्मा का चालन हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर विद्युत की बात करें तो विद्युत भी धातु में से जा सकती है। जैसे हम एक सर्किट बनाए, मान लो ये बल्ब है, ये बैटरी लगा रखी है, ये स्विच है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, ये तो क्या है, बल्ब। ये इसे वायर जोड़ रखा है, वायर को बैटरी से जोड़ रखा है, बैटरी को स्विच से जोड़ रखा है, ये क्या है, स्विच, ये क्या है, बैटरी, ये क्या है, बल्ब, और ये क्या है, वायर। वायर भी तो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अच्छा जो वायर होता है वो कॉपर का होता है। किसका माना जाता है, मतलब ऊष्मा के लिए भी और विद्युत के लिए भी, दोनों के लिए ही जो सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है वो कॉपर है। वो कौन सा है, कॉपर होता है, कॉपर। अब आप देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो खाली पॉइंट है, अगर मान लो आपने यहाँ पर लकड़ी रख दी बीच में, तो ये बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। मान लो करंट प्लस से माइनस जाता है, करंट यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन अब लकड़ी में से करंट पास नहीं हो सकता ना, क्योंकि लकड़ी अधातु है और अधातु विद्युत की सुचालक नहीं होती, कुछ चालक होती है, उसमें से करंट पास नहीं हो सकता। और मान लो यहाँ पर ये लकड़ी की जगह ये लोहे की पत्ती है, ये किसकी पत्ती है, लोहे की पत्ती है, या कॉपर का टुकड़ा है, कोई भी धातु का टुकड़ा है, तो क्या बल्ब जलेगा क्या, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि ये धातु है, धातु में से करंट पास हो सकता है। अब धातु में से करंट पास क्यों हो सकता है, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ धातु का टुकड़ा रखोगे तो बल्ब जलेगा, और अगर आपने यहाँ पर प्लास्टिक रख दिया, कपड़ा रख दिया, कागज रख दिया, लकड़ी रख दी, ठीक है, कोई रेशा रख दिया, तो करंट नहीं जाएगा, क्योंकि वे सब अधातु है, अधातु में से विद्युत नहीं जा सकती। समझ में आ गई बात। और ध्यान रहे विद्युत के लिए भी सबसे बेटर मेटल कौन सी है, कॉपर। लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा करंट कौन सी धातु में से जा सकता है, वो चांदी है, चांदी Ag 47 नंबर पर पाई जाती है। चांदी तो एक ऐसी धातु है जिसमें सारा का सारा करंट पास हो जाता है, बहुत जल्दी करंट जाता है, तो हम अपने घर में चांदी के तार लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जितना करंट आ रहा ना ट्रांसफॉर्मर से, सारा करंट पास हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इम्प्लीमेंट हमारे घर में, बल्ब है, टीवी है, एसी है, कूलर है,
ठीक है, रेफ्रिजरेटर सब जल जाएंगे क्योंकि सारा करंट चला गया, सारा करंट वो उपकरण, जैसे मान लो पंखा है, पूरा करंट पंखे में चला गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो फट जाएगा, जल जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए चांदी में से सबसे ज़्यादा करंट निकलता है, लेकिन चांदी को विद्युत के लिए एक्सीलेंट मेटल नहीं मानते। कहाँ से मानेंगे, चांदी के तार लगा भी नहीं सकते, बहुत कॉस्टली होते हैं, और लगा भी दिया तो सारा करंट सभी उपकरणों के पास आएगा, पूरा करंट फ्रिज के पास पहुंच गया, फ्रिज जल गया, कूलर के पास पहुंच गया, कूलर जल गया। तो बताओ एक्सीलेंट मेटल नहीं है चांदी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चांदी में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, लेकिन विद्युत के लिए जो सबसे सबसे अच्छी धातु है, सबसे बेटर जो मेटल है, दैट इज कॉपर। कौन सी है? कॉपर है, ना कि चांदी। समझ गए? ये पॉइंट था ऊष्मा और विद्युत की चालकता वाला। वापस रिवाइज करवा देता हूँ। धातु विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती है। तांबा एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा के लिए भी और विद्युत के लिए दोनों के लिए एक अच्छी धातु है, किस ऊष्मा के लिए भी और विद्युत के लिए भी। बाकी अधातु विद्युत और ऊष्मा दोनों के लिए कुछ अलग होती है, उसमें से करंट या ऊष्मा पास नहीं हो सकती। हो गया? देखो एक पॉइंट और बच रहा है, एक क्या दो पॉइंट, पॉइंट नंबर नाइन ये है जिसको हम बोलते हैं ध्वनिकता, सोनोरस। क्या बोलते हैं उसको? ध्वनिकता। ध्वनिकता का मतलब होता है अगर आप धातु को पीटोगे ना तो उसमें एक स्पेशल टाइप की साउंड निकलती है, एक डिफरेंट टाइप की वॉइस उसमें से, या डिफरेंट टाइप की ध्वनि उसमें से निकलती है। तो धातु को पीटने पर उसमें से निकलने वाली ध्वनि के गुण को क्या बोला जाता है? ध्वनिकता। आप देखो मंदिर के अंदर जो घंटा लगा होता है, या विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर जो बैल लगी होती है, घंटी जिसको बजाकर हम लंच करते हैं, छुट्टी करते हैं, या पीरियड चेंज करते रहते हैं, तो स्कूल में लगी हुई घंटी, मंदिर में लगा हुआ घंटा, वो सब किसके बने होते हैं? मेटल के। और उनको पीटने पर अलग टाइप की आवाज़ आती है, दूर तक जाती है, सूटेबल है, हम उससे परेशान में नहीं हो सकते, सुन सकते हैं उस चीज़ को। तो धातुओं को पीटने पर जो आवाज़ निकलती है ना, उसी आवाज़ के गुण को क्या कहते हैं? ध्वनिकता। क्या कहते हैं? ध्वनिकता। और ये गुण सिर्फ किस में पाया जाता है? धातु में पाया जाता है। जैसे दीवार है, ये बोर्ड है, ये अधातु है, इसको आप पीटोगे तो इसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, और अलग टाइप की आवाज़ भी नहीं आती। ये मार्कर है, मैं इसको पीट रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ, अगर इसकी जगह कोई मेटल होती, मेटल से मैं मेटल को पीटता तो उसकी आवाज़ निकलती। विद्यालय की जो घंटी है उसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है। वो जो अलग ही टाइप की साउंड निकलती ना, वो सिर्फ धातु से निकल सकती है। सिर्फ किससे निकल सकती है? ऐसे मंदिर में फिर प्लास्टिक का घंटा तो नहीं लगाते, क्योंकि अधातु, उसमें से इतनी साउंड नहीं आ सकती, सुन ही नहीं पाएंगे हम। इस गुण को क्या बोलते हैं? ध्वनिकता। फाइनली लास्ट पॉइंट है, वो ये है चमक। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ऊष्मा और विद्युत की चालकता का पॉइंट है ना, वो आपको मैंने बता दिया कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है, लेकिन एक धातु अपवाद है। एक धातु क्या है? अपवाद। एक ऐसी धातु है जिसमें करंट भी नहीं जाता और ऊष्मा भी पास नहीं होती, और वो धातु है शीशा। कौन सी धातु है? शीशा, जिसको हम पीबी से लिखते हैं, लेड। जो ग्लास आता ना, ग्लास, शीशा, वो ऐसी धातु है जिसमें करंट नहीं जाता, करंट भी पास नहीं होता और ऊष्मा भी पास नहीं होती है। इससे पहले मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था, गलनांक क्वथनांक वाला। तो धातुओं के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ धातुएँ ऐसी भी है जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। उनको आप हथेली पर भी रख दोगे ना तो वो पिघलने लग जाएगी, बिना गर्म किए ही कमरे के तापमान पर ही क्या हो जाएगी? पिघलने लग जाएगी। और वो धातु कौन सी है? गैलियम। गैलियम और जर्मेनियम, ये दो धातु ऐसी है, गैलियम और जर्मेनियम, जिनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ये अपवाद है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। चलो लास्ट का पॉइंट है चमक। देखो धातुओं को काटने पर उनके किनारे चमकते हैं और इसी गुण को चमक कहते हैं। जैसे कोई धातु का पाइप है, लोहे का पाइप है, अगर इस लोहे के पाइप को आपने यहाँ से काट दिया तो आपने देखा होगा इस लोहे के पाइप का ये किनारा बहुत चमकता है। तो ये चमकने का जो गुण है ना, वो सिर्फ धातुओं में होता है,
सिर्फ किस में होता है? धातुओं में। इनमें चमकने का गुण भी पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ऐसे चमकने का गुण नहीं पाया जाता है। ये लो, हमने कितने गुण कंप्लीट किए? हमने 10 गुण पढ़ लिए, 10। वापस गिनवा देता हूँ। सबसे पहले अवस्था, सबसे पहले अवस्था कठोरता रंग, अवस्था कठोरता रंग, आघातवर्धनीयता, तन्यता, घनत्व, गलनांक क्वथनांक, ध्वनिकता, चमक, विद्युत और ऊष्मा की चालकता। ऐसे कितने गुण पढ़ लिए? 10 गुण। और यही 10 गुण किसके लिए पढ़ने? अब अधातु के लिए। देखो अब इतना टाइम नहीं लगेगा, अधातु के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, वो मैंने समझाई दिया। फटाफट रिवाइज करना, आप समझ जाओगे। देखना अभी अब किसके भौतिक गुण पढ़ने हैं? अधातुओं के। किसके पढ़ने हैं? अधातुओं के भौतिक गुण। अब कितने भौतिक गुण है समझना। सबसे पहले अवस्था, फिर कठोरता, अवस्था कठोरता रंग, चमक, ध्वनिकता, भंगुरता, आघात वर्धनीयता और तन्यता, गलनांक क्वथनांक, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन, एक है घनत्व। एक कौन सा हो गया? घनत्व। देखो सुनो, ये सारे के सारे गुणों में किसके लिए पढ़ना है? ये सारे के सारे गुणों में अधातुओं के लिए पढ़ना है। सबसे पहले ले लो अवस्था। तो अगर धातुओं की बात करें तो धातु कौन से अवस्था में पाई जाती थी? ठोस अवस्था में, गैस में बिल्कुल भी नहीं। और एकमात्र ऐसी धातु थी जो कौन से अवस्था में थी? द्रव में। कौन सी? पारा या मरकरी। अब ध्यान रखना, बेसिकली जो अधातुएं होती है ना, वो कौन से अवस्था में पाई जाती है ना? गैस में। अधातुएं 18 ही है। कितनी है? 18। और 18 में से भी 11 क्या है? गैस। 11 क्या है? गैस अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती है जो ठोस अवस्था में भी पाई जाती है। मतलब धातुएं गैस अवस्था में भी होती है, ठोस अवस्था में भी और द्रव अवस्था में। लगभग कितनी है धातु है? 18। 18 में से गैस कितनी है? 11। कितनी है? 11। बाकी ठोस और द्रव अवस्था में है। एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो है ब्रोमीन। वो है ब्रोमीन 35 नंबर पर पाई जाने वाली। बस एक ही ऐसी अधातु है जो कौन से अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। तो कितनी हो गया? 12 और बाकी 6 अधातु ऐसी है जो कौन से अवस्था में पाई जाती है? ठोस। जैसे कार्बन है, कई प्रकार कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। तो आपको बताना है अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। कौन सी ठोस है, कौन सी गैस है, कौन सी द्रव है, ये जानकारी भी आप दोगे। खत्म पॉइंट, कठोरता। धातुएं कैसी होती है? कठोर। कैसी होती है? कठोर। तो ये तो तीनों अवस्था में पाई जाती है, तो आप इनको कठोर बोल ही नहीं सकते। ये तो गैस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हो अधातु कठोर भी होती है और सॉफ्ट भी होती है, मतलब नरम भी होती है। कठोर भी होती है और नरम भी होती है। रंग, अधातुओं का कलर अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन गैस का कलर होता है पीला। सल्फर कैसा होता है? सल्फर लाल भी होता है, सल्फर सफ़ेद भी होता है।
फॉस्फोरस कैसा होता है? फॉस्फोरस सफ़ेद भी होता है, सॉरी फॉस्फोरस लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है। सल्फर कैसा होता है? सल्फर सफ़ेद होता है। क्लोरीन गैस पीली भी होती है, क्लोरीन गैस हरी भी होती है। इसके अलावा अधातुएं ग्रे कलर की भी पाई जाती है, मतलब अधातु अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। चमक, अधातुओं को काटने पर, अधातुओं को काटने पर उनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती, चमक नहीं पाई जाती। लेकिन एक अधातु ऐसी है जो चमकती है, एक अधातु ऐसी है जो चमकती है, और वो अधातु है आयोडीन। कौन सी अधातु है? आयोडीन। इसके अलावा फास्फोरस भी चमकती है। फास्फोरस और आयोडीन ऐसी अधातु है, ये अपवाद है दोनों। हालांकि धातुओं में चमक, अधातु में चमकने का गुण नहीं होता, लेकिन दो ऐसी अधातु जो चमकती है, आयोडीन और फास्फोरस, ठीक है। ध्वनिकता, धातुओं को पीटने पर किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती है। भंगुरता, हाँ ये गुण इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखो पहले आप इस पॉइंट को क्लियर करो, आघात वर्धनता और तन्यता का मतलब क्या होता है? धातुओं को पीट पीट कर पतली पतली शीट और लंबे लंबे तार निकालना, ये गुण किसके अंदर था? धातुओं के अंदर। ये अधातुओं में नहीं है। अधातुओं में इनकी तुलना में कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है जो टूट जाए, बिस्किट की तरह बिखर जाए, एक चोट मारोगे ना तो, जैसे कोयला, कोयला अधातु है। कोयले को पीट पीट कर शीट निकाल सकते हैं? कोयले को पीट पीट कर तार निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो जो एक चोट मारने पर बिखर जाए उसे भंगुरता बोलते हैं। उसे क्या बोलता है? भंगुरता, ब्रिटलनेस, क्या कहते हैं? भंगुरता। तो ये गुण ओनली किस में पाया जाता है? ओनली फॉर मेटल, सॉरी नॉन मेटल्स। ये भी खत्म। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक, धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। विद्युत और ऊष्मा का चालन, ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है, लेकिन एक अपवाद है। एक अधातु ऐसी है जो विद्युत की सुचालक होती है, और वो है कार्बन का रूप, कार्बन का रूप ग्रेफाइट, कार्बन का रूप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, और ये ग्रेफाइट किसका रूप है? कार्बन का। लास्ट में घनत्व है, धातुओं का घनत्व है, धातुओं का घनत्व ऊंच होता है, मतलब हाई होता है, इनका घनत्व क्या होता है? निम्न। ये लो, बस उल्टा ही तो करना था, कुछ कुछ एक्सेप्शन थे वो पढ़ने थे अपवाद। तो ये हमने धातु और अधातुओं के भौतिक गुण क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए, जो कि हमने कितने गुण पढ़े? 10। आई होप आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, एक पूरा बड़ा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब क्या बच रहे हैं? रासायनिक गुण बच रहे हैं, धातु और अधातुओं के क्या बच रहे हैं? रासायनिक गुण। वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।